अभी मैं ना बहुत थक गई हूँ, जाके मैं ना आइसक्रीम खाती हूँ। हाँ ये मस्त आइडिया है। कल पप्पा ने ना मुझे बहुत महंगी वाली आइसक्रीम लेके दी थी, अभी मैं ना वही खाऊंगी। पहना तो मैं सोच रही थी अभी मैं फ्री हूँ ना तो मैं इसको पहन लूँ और इसके ऊपर फोटोज वगैरह निकालूँ। अच्छा है ना, चलो मैं काम करती हूँ, मैं इसको जल्दी से पहन लेती हूँ और मेकअप तो मैंने पहले ही कर लिया है। हाय चिकू, तो इधर ये सब क्या चल रहा है ना बाबा? इधर मेरे को कुछ तोड़ने फोड़ने के लिए कुछ चीजें है क्या? इधर कुछ चीजें जाके मैं दूसरे रूम चेक करता। तो देखो ये गाउन है ना बहुत ज्यादा बड़ा और हैवी गाउन भी है, और मैंने ये जो पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था ना ये हल्का सा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी है। देखो कितना बड़ा गाउन है। चलो मैं जल्दी से पहन लेती हूँ उसको, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ उसको पहनने के लिए। पहन लिया मैंने अपना ये ब्लू वाला गाउन, बताओ कैसे लग रहा है? इसको एकदम मस्त फिटिंग विटिंग भी कर लिया है। अगर आपको रील्स देखनी है ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं जब भी टाइम मिलता है तब कैटवॉक की प्रैक्टिस करते रहती हूँ। परफेक्ट कैटवॉक देखने में जितना आसान लगता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। देखो आज है ना फिर पार्सल आ गए, रोज हमारे घर कुछ ना कुछ पार्सल आ ही जाता है। अब इसमें क्या हो सकता है ये तो मम्मी बता सकती है, लेकिन मैं खोल ही दूँ। क्या है इतनी छोटी चीज, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। क्या है? नाटक मत करो। वाह वाह, अरे तो ये शायद किसका हो सकता है? ये देखो मेरा ही है। हाथ में के कड़े सोने के है मम्मी है। हाँ सोने से। सोने के ऑनलाइन थोड़ी मंगवाऊंगी मैं। कितना मस्त कलर दिख रहा है, देखो ना एकदम सोने वाले दिख रहे हैं। रुको मैं पहनाती हूँ। कितना छोटा सा हाथ है मेरी मम्मी का। चलो अभी ये बड़ा वाला खोलू कि ये छोटा वाला खोलू? देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। छोटा वाला क्या है? किसका है? खोल क्या है? 1 2 3। हाँ मैंने सही पहचाना, ये चिकू बेबी का है। वाओ कितना मस्त ड्रेस है। अब चलो आखिरी एक ही पार्सल बचा, इसको भी खोलते हैं। शायद इसमें मेरे लिए कुछ हो। क्या है? पता नहीं क्या ये? ये भी चिकू बेबी के लिए ही है। चिकू बेबी के लिए नहीं है। फिर क्या है? मामा के लड़के के लिए। वाओ हाँ ये मामा के लड़के के लिए। कैसा है ये?
अच्छा हाँ हाँ, देखो देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसमें ऐसे दो पैर डालने, फिर बच्चे को ऐसे इसमें लेटाने, ऐसे ऐसे बंद करने, चलो घूमने छोटे मामा के लड़के के लिए। चलो ये भी क्यूट है, इसको अच्छे से रखती हूँ मैं, गिफ्ट पैक कर और आज अपन ना उनको गिफ्ट भेज देंगे गाँव की तरफ। मुझे ना बहुत दिनों से मैगी खाने का मन हो रहा था, लेकिन हमारे घर में ना कुछ सामान ही नहीं था। और वैसे नहीं, प्लेन वाली मैगी होती है ना वो मुझे नहीं पसंद, मुझे वेजिटेबल मैगी बहुत पसंद है, प्याज टमाटर वाली। तो कल ही हमने ना इतनी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग की है, तो मैंने अपने लिए मैगी भी ली थी। तो चलो अभी हम लोग मैगी बनाते हैं, क्योंकि यार मैगी खाने का अलग ही मजा होता है, आप सबको तो पता ही है। हमारे किचन में, वैसे तो मैं किचन में आती ही रहती हूँ, घूमती रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन है ना कभी कुछ नहीं बनाती, तो कभी कभी बना लेती हूँ। तो आज मैं अपने लिए मैगी बनाऊंगी। चलो प्याज टमाटर वगैरह ले लेते, काट लेते हैं उनको पहले। प्याज टमाटर कट, यार मुझे है ना कटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है बताओ तो कमेंट में। मैंने ना कढ़ाई ले ली है, अब जल्दी से मैं बनाती हूँ मैगी। चलो तो तेल जो है वो गरम हो गया, अब मैं इस पे डालूंगी अपने प्याज। कच्ची मैगी खाना बहुत पसंद है, तो प्याज जो है वो भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो अब मैं इसमें ना मैगी मसाला, फिर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और डार्क सोया सॉस डाल देती हूँ, ठीक है। अब मैगी 2 मिनट में तो बनेगी नहीं, तो रुको जरा 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद में मैं मेरी मैगी खाऊंगी। आजा जी, क्या कर रहा तू, घर साफ कर रहा? दीदी मैं ना झाड़ू से भी ना मारना सीख रहा नया नया। मैं को क्यों मारते रहता रे? तेरे को मारने की प्रैक्टिस करूंगा मैं पहले। बन जाना मैगी, फाइनली बन गई मेरी मैगी। चलो अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, आपको भी खाने का मन कर रहा है? ये लो मैं आप सबको भी खिलाती हूँ। खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप मेरे लिए ना कर्लर मंगा दो, मुझे कर्ली वगैरह हेयर्स करने होते हैं, तो शायद कर्लर ही आया होगा। रुको देखते हैं कितने का है। 3 है शायद, इसमें कर्लर है। 330 का है, 700 का है और ये 2263 का है। चलो तो अभी हम है ना पार्सल अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे कृष्णा भी आ गया क्योंकि उसका भी एक पार्सल है। सबसे पहले ये वाला अनबॉक्स करो। यार पार्सल अनबॉक्स करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। थिंक क्या है मम्मी, आप बता सकते हो ऐसे देख के क्या है? मेरा मैसी का टी शर्ट है। हाँ, तेको पता था? हाँ। दिखा, वाओ, ये ना रोनाल्डो और मैसी दोनों का बहुत बड़ा फैन है ना बच्चे। हाँ। कौन कौन रोनाल्डो और मैसी का फैन है कमेंट में बताओ। तो ये देखो, ये लो बच्चे पहन के आजा। इसमें कुछ टिफिन जैसा है, मेकअप का तो नहीं है? रुको मैं ओपन करती हूँ। आई थिंक इसमें ना ज्वेलरी जैसा कुछ है। वाओ, ज्वेलरी तो हर लड़की को पसंद आती है। देखो ना इसके साथ बॉक्स में कितना अच्छा मिला है, तो इसी में रखेंगे हम। वाओ, ये देखो मम्मी, इसमें बैंगल है और फिर कान में के झुमके हैं और नोज पिन भी है। ये देखो, ये रहे दो बैंगल और ये कान में के झुमके। यहाँ पे ये ऊपर कान में लटकाने के, तो मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। और ये रही नोज पिन, ये शायद मम्मी का है क्योंकि इसमें ही क्या है,
ये मंगलसूत्र है ना मम्मी, ये मम्मी आपको पहन के दिखाएगी। और ये भी एक सेट है, अभी क्या खोल के दिखाऊं मैं, आप देख लो, उधर पलक के दिखा। क्या बात है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बंद कर दरवाजा। जब भी मैं कोई लुक करूंगी ना, उसमें भी ये ज्वेलरी काम आएगी। और ये रहा लास्ट एक थर्ड सेट। तो ये है हमारी महाराष्ट्र की शान नथ, इसको नथ बोलते हैं मराठी में। देखो कैसे लगाते इसे। आप बताओ कैसे लग रहे हैं ज्वेलरी मुझ पे। तो ये है मेरी ज्वेलरी का फुल लुक, बताओ कैसा है। क्योंकि क्या है यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना अभी अपनी क्लिप निकाल लेनी चाहिए, मतलब पूरी क्लिप निकाल लेनी चाहिए। तो मामी ने बोला हम डॉक्टर से एक बार पूछ लेते कि हमें क्लिप निकाल लेनी चाहिए या फिर कितने दिन और रखनी चाहिए। देखो मैं मम्मी को बुलाने के लिए गई थी और मैं सीधा रेडी होके ही आ गई। और मैंने ना वो न्यू कर्लर जो आया उसको भी ट्राई किया, कैसे लग रहा है बताओ मेरे कर्ली हेयर। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मम्मी भी देखो कितनी प्यारी रेडी हो गई है। तो मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरे दांतों की क्लिप निकालने के लिए मम्मी चल रही है, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बोलना चाहिए कि आज हम नहीं निकाल सकते। ठीक है देखेंगे ना बात करके डॉक्टर। लेट्स गो, चलते हैं हम लोग डेंटल हॉस्पिटल। हाश भगवान करे बस मेरी क्लिप निकल जाए, क्योंकि है ना 2 साल से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। तो अब मैं आपको बता दूँ कि मुझे है ना क्लिप लगाए हुए 2 साल हो गए, मैं इतना पक चुकी हूँ क्योंकि है ना 1 साल तो डॉक्टर ने है ना स्ट्रिक्टली मुझे आइसक्रीम चॉकलेट पानी पूरी वड़ा पाव ये सब खाने के लिए मना किया था, और पिज्ज़ा भी। तो ये सब चीज़ों के बिना तो मैं रह नहीं सकती। तो 1 साल मैंने अच्छे से वेट किया, कुछ भी नहीं खाया, ना ही चॉकलेट, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे चॉकलेट वगैरह खाने लगी, पानी पूरी भी ढूंसने लगी। तो फिर डॉक्टर ने फिर से मना कर दिया था मुझे। चलो तो आ गए हम लोग हॉस्पिटल, अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो भगवान करे कि आज मेरे दांतों की क्लिप्स निकल जाए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे दांतों को बिना क्लिप्स के देखने के लिए और खुल के हंसने के लिए। देखते हुए डॉक्टर तो बोल रहे कि क्लिप्स है ना वो निकाल सकते हैं क्योंकि ये सब क्लियर हो गए मेरे दांत को। सीधे हो गए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अगर कुछ लगा तो हम वापस क्लिप लगा लेंगे, लेकिन अभी के लिए निकाल दो। हाँ निकाल देना पड़ेगा, लेकिन निकालते बहुत ज्यादा दर्द होगा क्योंकि ये दांतों में अच्छे से पैक हो गए हैं। डॉक्टर ने परमिशन दे दी है मेरी क्लिप निकालने की, लेकिन क्लिप निकालने के लिए कितना घंटा लगेगा। 1 घंटा 1 घंटा लगने वाला है, जल्दी निकाल दो भाई। निकालने के बाद मैं सब चीजें खाऊंगी। हाँ, तो चलो अभी मेरे दांतों का ऑपरेशन शुरू करते हैं। और अभी मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि फाइनली मेरे दांतों की क्लिप्स निकल रहे हैं। मैं अपने लाइफ एंड करियर को लेके बहुत सीरियस हूँ, एंड मैंने जो टीवी सीरियल में जाने का करियर चूज किया है इसमें परफेक्ट दिखना बहुत ज़रूरी है, एंड इसीलिए मैंने अपने 2 दांत तक खोए हैं। कि मेरे दांतों के क्लिप्स निकल गए फाइनली। क्या आपको देखने हैं मेरे टीथ अब कैसे लग रहे हैं। रेडी 1 2 3। तो अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है, पता नहीं मेरे दांत कैसे दिखेंगे, मैं कैसे दिखूंगी। ये देखो
देखो अभी तो ये टेढ़े मेढ़े दांत है, क्लिप लगने के बाद में पता नहीं ये कैसे दिखेंगे। मैं क्लिप लगने के बाद किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। नहीं तो पहले ऐसे लगता था कुछ तो भी डाला हुआ है मेरे दांतों में। अभी तो सिर्फ क्लिप्स निकली है मेरे दांतों की एंड अभी मेरे दांतों का शेप ले रहे हैं एंड एक टेम्पररी क्लिप बनाएंगे जो मुझे रोज रात को अपने दांतों में लगा के रखना पड़ेगा एक मंथ तक। अच्छा हुआ मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं उल्टी कर देती, बहुत गंदा टेस्ट था। आखिरी के 5-10 मिनट सहन करना पड़ेगा, उसके बाद में तो मजा ही मजा। और पापा नानी सबको दिखाएंगे मेरे दांत, देखते हैं उनकी रिएक्शन। तो पहले मेरे दांत कैसे थे यहाँ पे मैं फोटो लगा रही हूँ, वो देखो आप और अभी देखो बिफोर एंड आफ्टर। नॉर्मल हंसने का, इतना बड़ा नहीं इतना ठीक है मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मैं आपको बता भी नहीं सकती। मम्मी आपको कैसे लग रहा है मेरी क्लिप निकल गई है तो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तू जो चाहे वो खा सकती है। वो तो है, मैं जी भर के कुछ भी खा सकती हूँ, नो रोक टोक। और हम है ना पापा का रिएक्शन लेंगे, नानी तो हंसेगी है ना, नानी कृष्णा सबके रिएक्शन लेंगे और मामा को कुछ रिएक्शन ही नहीं था। तो अभी हम पी रहे हैं मैंगो जूस क्योंकि बाहर है और यहाँ पे इतनी गर्मी है तो मैंगो जूस तो बनता ही है। मम्मी चीयर्स। आ गए हम लोग घर पर, चलो अभी ऊपर चल के ना सबको मेरे दांत दिखाते हैं। मम्मी पापा आ गए होंगे ना घर पे? नानी को क्लिप निकाल दिया ना अभी दिखाने की बारी मेरे दांत। चिकू तो नहीं देखेगा मेरे दांत। पापा इधर एक क्लिप बता। आ गया। बता ना। मैं तो बड़ी हंसी आ रही है, ये देखो। मदद से। मस्त दिख रहे एकदम अक्षय कुमार के जैसे। पापा मैं अक्षय कुमार नहीं लग रही। अक्षय कुमार के जैसे दांत लग रहे, ऐसे नहीं कि उसके सदर खरगोश के जैसे। देख उधर देख, देख अक्षय कुमार के जैसे ही है ना। सेम टू सेम। अरे का ऑपरेशन करता है उसके दांतों का? बताओ कि मेरे सीता कैसे दिख रहे हैं? पूरे 2 साल के बाद क्लिप निकल गई है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और फिर से एक इनविटेशन आया है स्कूल एनुअल फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट जाने का, जो कि बहुत मजेदार होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।